बोकारो के चंदपुरा प्रखंड अंतर्गत चंदपुरा के विकास टाकिज देश की प्रसिद्ध जादूगर गोगिया सरकार, जो कई जादू अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, 15 मार्च से अपना खेल दिखा जादू का प्रदर्शन करने वाले हैं। उनका कहना है कि जादू एक खेल है और इस खेल के माध्यम से ज़्यादा लोगों को मनोरंजन करना मेरा उद्देश्य है, जिसे इस भागदौड़ की जिंदगी में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए एक दवा के समान है। आज के तनाव भरी जीवन में मनोरंजन से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए देश में 1997 से घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं। जादूगर गोगिया सरकार कई प्रकार के खेलों का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से घोड़ा गायब होना, लड़की को सांप बनाना, तलवार पर लड़की को लेटाना इत्यादि कई प्रकार के आइटम किए जाएंगे, जो कभी इस क्षेत्र की जनता नहीं देखी होगी। यह खेल मनोरंजन से भरपूर होगा और रोज 300 में जादू कार्यक्रम चलेगा। पुकारों से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। हो गए ऐसा ब्रेक मारा कि हम लोग फिर से 20 साल 15 साल पीछे फेंक आ गए। सब कुछ बना हुआ घर महल सब धराशायी हो गया, टूट गया। आज फिर से उस संघर्ष में जुड़े हैं। जादू शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता, आप किसी भी डिक्शनरी में खोज लीजिए, जादू शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता। जब कोई कला प्रकाष्ठा की चरम सीमा पर पहुंचती है तो उसे जादू की उपाधि दे दी जाती है। जैसे आपकी आवाज़ में जादू है, आपके नेतृत्व में जादू है, आपके कार्यशैली में जादू है, जादू शब्द अपने आप अनायास जुड़ जाती है। जादू को दो भागों में बांटा गया, एक ब्लैक आर्ट, दूसरा व्हाइट आर्ट। ब्लैक आर्ट जो होता है वो तंत्र शक्ति से होता है, स्पिरिचुअल पावर से होता है, जिसके लिए साधन, साधक और साधना तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है। आज के डेट में ये तीनों नहीं मिलता, ना साधक मिलते हैं, ना साधने मिलते हैं, ना साधक मिलते हैं, ना साधन मिलते हैं। आज की तारीख में लोग भाग दौड़ की जिंदगी में कोशिश जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी हमको ये चीज़ मिल जाए। पहले वाली बात नहीं कि कोई तपस्या कर रहे हैं जिससे उनको जो है कि नहीं रहते रहते उनके अंदर एक अलग से पावर आ जाती है, वो पावर वाली बात आज की आधुनिक युग में नहीं है। व्हाइट आर्ट है जो कि साइंस पर आधारित है, प्योर साइंस पर, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं जादू शुरू होता है। आज हम लोग जो कुछ भी करते हैं पूर्णतः व्हाइट आर्ट करते हैं, जो कि समाज पर आधारित होता है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप है। सर जादूगर लोग यही कहते हैं, एक लड़की को लेते हैं दो भाग में काट देते हैं, जोड़ देते हैं, सब तो पुराना हो गया है जो चीज है। आपका मुख्य भाग क्या है, आप उसका बताइए ना, दूसरा कौन? हमारा मुख्य बात जो है कि नहीं, मूल रूप से लोगों को मुस्कुराना, स्वस्थ मनोरंजन देना जादू के माध्यम से। बाकी जादू के आइटम में जो है कि नहीं, कुछ नया और उससे अलग हटके जरूर मिलेगा देखने को। जो पहले आप देखें उससे थोड़ा अलग हटके जरूर मिलेगा देखने के लिए। कितने प्रकार का आइटम? जैसे सांप देखते देखते लड़की बन जाएगी, घोड़ा आपके बीच से जाएगा, आप एक दो तीन बोलेंगे पूरी रोशनी में घोड़ा गायब हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चे को लेंगे, उसको हिप्नोटाइज करेंगे, उसको तीन तलवार पे सुला देंगे, फिर तीन तलवार में से दो तलवार हटा देंगे, फिर एक तलवार पे सोया रहेगा। फिर उसके बाद मतलब इस तरह से प्रोग्राम रहेगा? हाँ, इस तरह से कल लगभग जो है कि नहीं बहुत सारे आइटम्स रहेंगे जो लगातार 2.25 घंटा तक चलेगा। हम लोग तो गिनते भी नहीं हैं, बस एक के बाद एक के बाद करना शुरू करते हैं। ये 15 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे, जो 12 बजे 3 बजे शाम 6 बजे से रहेगा।